हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिलेटेड कुछ अच्छे एमसीक्यूज के बारे में। और उसके अलावा यार, ये चैप्टर जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्टिंग भी है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर साल बोर्ड्स में और प्री बोर्ड्स में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, बार बार रिपीटेडली पूछे गए हैं। और यार, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था और उसका रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा आया था और काफी सारे लोगों ने उसका जवाब जो था वो अच्छे से दिया था। इसीलिए मैं इस वीडियो के एंड में भी आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं उसको कौन कौन आंसर कर पाता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। द मेटल विच वी कैन कट विद अ नाइफ इज सोडियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा मेटल ऐसा है जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, यानी कि चाकू से काट सकते हैं। और इसका आंसर है सोडियम। सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं इजीली, जबकि हमने पढ़ा है जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे जनरली हार्ड होते हैं। तो सोडियम जो है एक एक्सेप्शन है कि उसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी नॉलेज के लिए मैं एक और बात बता दूं कि पोटेशियम और लिथियम भी ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। सॉफ्ट मेटल होते हैं काफी है। अब देखते हैं सेकंड वन। द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड या लेड। तो सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि डक्टाइल का मतलब क्या होता है। डक्टाइल का मतलब होता है कि वो मेटल जिसको हम इजीली वायर में कन्वर्ट कर सकें। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा मेटल ऐसा है जिसको हम इजीली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्युमिनियम, सिल्वर है या फिर गोल्ड है या लिड है। तो इसका सही आंसर है गोल्ड। गोल्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है, ये चीज ध्यान रखना। अब ऐसे ही और भी क्वेश्चन बन सकते थे मेलिएबिलिटी के ऊपर, कंडक्टिविटी के ऊपर, इसलिए मैंने उनके ऊपर एमसीक्यू नहीं बनाए, उनको मैंने एक पॉइंट्स में लिख लिया है। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। द मोस्ट मेलिएबल मेटल इज गोल्ड। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेलिएबल का मतलब क्या होता है। मेलिएबल का मतलब होता है कि जिस मेटल को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकें, मतलब पतली पतली शीटें जो होती है ना उसमें अगर हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं किसी मेटल को, तो वो मेलिएबल मेटल कहलाएगा। तो सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल जो है हमारा वो गोल्ड है। हमने अभी पढ़ा कि डक्टाइल भी सबसे ज्यादा गोल्ड है और मेलिएबल भी गोल्ड है। सिल्वर भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन गोल्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा मेलिएबल और डक्टाइल होता है। अब सेकंड वन। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज कॉपर। बेस्ट कंडक्टर जो है ना हीट का, यानी कि जो हीट को अच्छे से कंडक्ट कर पाता है, वो है हमारा कॉपर। इसी वजह से हमने देखा है बहुत सारे जो बर्तन वगैरह होते हैं वो कॉपर से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि वो हीट को अच्छी तरीके से कंडक्ट कर पाता है अपने अंदर। अब देखते हैं थर्ड। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। सिल्वर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है। उसके अलावा हमने देखा है कि घरों में जो वायरिंग होती है उसमें कॉपर का यूज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि सिल्वर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। इस वजह से सिल्वर का यूज़ जो होता है हम वायरिंग में नहीं करते हैं, कॉपर का यूज़ कर लेते हैं। और उसके अलावा एक फ़न फैक्ट आपको मैं बताऊं कि जो कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर वगैरह, उन कंप्यूटर्स में जो वायरिंग होती है वो गोल्ड की होती है कहीं कहीं पर। जैसे कि बात करें अगर हार्ड डिस्क के आसपास की जो वायरिंग होती है वो गोल्ड की होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि गोल्ड जो है वो अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकता है, ईजिली ट्रांसफ़र कर सकता है। अब देखते हैं फोर्थ। द मेटल विच इज कैप्ट इन बॉटल्स फील्ड विथ केरोसिन ऑयल इज सोडियम एंड पोटेशियम। भाई ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार पूछा गया है कि सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि सोडियम पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं। अगर हम इनको एयर में रखेंगे या वाटर में रखेंगे तो ये रिएक्ट कर जाते हैं, और इनका रिएक्शन भी हाईली एक्सप्लोजिव होता है। इसी वजह से केरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि ये इनर्ट स्टेट में रहें। इनर्ट स्टेट का मतलब होता है कि रिएक्ट ना करें किसी के साथ। अब देखते हैं फिफ्थ। मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि हमने पढ़ा है कि मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, लिक्विड स्टेट में नहीं मिलते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है। अब देखते हैं थर्ड एमसीक्यू। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर या लेड। अभी पीछे हमने पढ़ा है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो होता है वो हमारा कॉपर होता है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन आ गया कि पुअरेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है हीट का। तो हीट को जो अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाता वो है हमारा लेड। लेड एक ऐसा मेटल है जो कि हीट को कंडक्ट नहीं कर पाता, बिल्कुल भी नहीं कर पाता, मतलब ना के बराबर हीट को जो है ये कंडक्ट कर पाता है। और इससे रिलेटेड एक यूनिक फैक्ट ये है कि जो एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हम लोग करवाते हैं ना, उन एक्सपेरिमेंट को हम ऐसे कंटेनर के अंदर करवाते हैं जिन कंटेनर्स की वॉल जो होती है वो बनी होती है लिड से, ताकि लिड जो है वो हीट को कंडक्ट कर नहीं पाएगा, तो हीट बाहर आ नहीं पाएगी। हीट बाहर नहीं आएगी तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, एक्सपेरिमेंट हम ईजिली कर पाएंगे। अब देखते हैं फोर्थ। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन एल्युमिनियम सरफेस इज कॉल्ड एनोडिंग, कैटेनेशन, बेसिमराइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। तो उस प्रोसेस का नाम बताइए जिस प्रोसेस के थ्रू हम ऑक्साइड की लेयर एल्युमिनियम सरफेस पे फॉर्म कर देते हैं। तो उस प्रोसेस का नाम होता है एनोडिंग, और इसे एनोडाइजेशन भी कहते हैं।
जिसके जरिए हम एल्युमिनियम सरफेस पे ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म कर देते हैं ताकि उस पर कोरोजन ना हो। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के थ्रू हम जिंक की एक थिक लेयर चढ़ा देते हैं किसी भी मेटल के ऊपर ताकि उस मेटल पे कोरोजन ना हो। तो जिंक की अगर लेयर हम किसी मेटल पे फॉर्म कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, और अगर एल्युमिनियम मेटल पे हम किसी ऑक्साइड को अगर फॉर्म कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं एनोडिंग। अब देखते हैं फिफ्थ, एक्वारेशिया इज अ मिक्सचर ऑफ कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एंड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एंड एसिटिक एसिड। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एंड नाइट्रिक एसिड। तो ध्यान रखना एक्वारेशिया जो होता है वो एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर हम अगर गोल्ड को डाल दें या सिल्वर को डाल दें तो वो दोनों की दोनों चीज़ों को डिजोल्व कर लेता है इजीली। अब देखते हैं सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर पोटेशियम ऑक्साइड। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी इन चारों ऑक्साइड में से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है वो ऑक्साइड जो कि एसिडिक बिहेवियर भी शो करे और साथ ही साथ बेसिक बिहेवियर भी शो करे। तो वो ऑक्साइड जो है हमारी जिंक ऑक्साइड जो होती है ऐसी ऑक्साइड होती है जो कि हमारा एम्फोटेरिक नेचर शो करती है। सो ध्यान रखना सेकंड वन इज द राइट आंसर, जिंक ऑक्साइड। और उसके अलावा एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होती है वो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है, वो भी एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करती है। तो यानी कि दो ऑक्साइड ऐसी होती हैं जो एम्फोटेरिक होती है नेचर के अंदर, एक हो गई जिंक ऑक्साइड और एक हो गया हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड, दोनों ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है। अब देखते हैं सेवन्थ, द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू चेंज इनटू थिन शीट्स ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड सोनोरस, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी या कंडक्टिविटी। मैंने पहले भी बात करी थी कि मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू अगर हम उसको हैमरिंग करें यानी कि उसको हथौड़े से मारें तो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम कहते हैं मेलिएबल, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड वन जो कि हमारा मेलिएबिलिटी। अब देखते हैं एट्थ, द मेटल दैट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर इज मर्करी, सोडियम, जिंक या टंगस्टन। अब इसमें सीधा सा पूछा गया है कि उस मेटल का नाम बताइए जो मेटल कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करता हो। उसका सही जवाब है सोडियम, यानी कि सेकंड वन इज द राइट आंसर, सोडियम इज द मेटल दैट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। अब सवाल ये आता है कि सोडियम कोल्ड वाटर के साथ क्यों रिएक्ट कर रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा और एयर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो इसी वजह से हम कोल्ड वाटर प्रोवाइड करते हैं ताकि रिएक्शन जो हो वो एक्सप्लोजिव ना हो, क्योंकि अगर ऐसी नॉर्मल वाटर के अंदर हमने रिएक्शन करवाया सोडियम का तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है। तो एक्सप्लोजिव ना हो रिएक्शन इसीलिए हम उसका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अब देखते हैं नाइन्थ, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नाउन एज कंसनट्रेशन, कैल्सिनेशन, प्योरिफिकेशन या मेटलर्जी। तो इसका आंसर ये है मेटलर्जी। मेटलर्जी वो प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस से हम एक मेटल को उसकी ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमें मालूम है कि मेटल जो होते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं, वो अपनी ओर के फॉर्म में होते हैं, तो उसकी ओर में से मेटल को निकालना ही मेटलर्जी कहलाता है। सो फोर्थ वन इज द राइट आंसर, मेटलर्जी। अब देखते हैं टेंथ, द नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बोरॉन, ग्रेफाइट, सल्फर या आर्सेनिक। सो यार हम लोग तो जानते हैं कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है बताओ कि जो अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो उसका सही आंसर है सेकंड वन, ग्रेफाइट। अब देखते हैं इलेवेंथ, मेटल डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन गैस रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर ऑल द अबव। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एसिड है जिसके साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होती है, जबकि हमने पढ़ा है कि मेटल जब भी रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी ही होगी। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखना एक्सेप्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। नॉर्मल क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, ना ही बोर्ड नॉर्मल क्वेश्चन पूछता, ना ही टीचर्स नॉर्मल क्वेश्चन पूछना पसंद करते हैं। टीचर्स वो क्वेश्चन पूछते हैं जो एक्सेप्शन होता है। तो ये भी एक्सेप्शन है कि कौन सा एसिड ऐसा है जिसके साथ मेटल रिएक्ट भी करेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होगी। तो वो एसिड है हमारा नाइट्रिक एसिड। सो सेकंड वन इज द राइट आंसर। अब देखते हैं ट्वेल्थ, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, द नॉन मेटल्स हैविंग लस्टर इज ऑक्सीजन, ब्रोमीन, सल्फर या आयोडीन। तो हमें मालूम है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा चमकते नहीं है। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकना, कि उस नॉन मेटल का नाम बताओ जो कि चमकता हो यानी कि लस्ट्रसनेस हो उसके अंदर। तो वो नॉन मेटल जो है हमारा आयोडीन है। अब देखते हैं 13, द एलिमेंट अदर देन मर्करी विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट इज कॉपर, मैग्नीशियम, ब्रोमीन या क्लोरीन। अब यार देखो ये तो सबको ही पता होता है कि मर्करी जो है वो एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है,
लेकिन मरकरी के अलावा कौन सा ऐसा दूसरा एलिमेंट है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? तो लिक्विड स्टेट में हमारा ब्रोमीन जो है वो भी लिक्विड स्टेट में ही मिलता है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ दो ही एलिमेंट ऐसे होते हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, एक हमारा मरकरी और दूसरा हमारा ब्रोमीन। अब देखते हैं 14th, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल्स डिपॉजिट ऑन कैथोड, डिपॉजिट्स ऑन एनोड, डिपॉजिट्स ऑन बोथ या रिमेन्स इन दिस सॉल्यूशन। तो इसमें ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रोलिटिक जब रिफाइनिंग होती है ना, तो उसमें हमारा जो मेटल होता है वो कैथोड पे जाकर चुपकता है या फिर एनोड पे जाकर चुपकता है या फिर वो नीचे बैठ जाता है, रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाता है, या फिर दोनों पे जाकर जो होता है वो चिपक जाता है, कैथोड पे भी और एनोड पे भी। तो ध्यान रखना हमारा जो मेटल होता है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड जो होता है हमारा वो नेगेटिवली चार्ज होता है। हमें मालूम है अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी वजह से मेटल जो होता है हमारा डिपॉजिट होता है कहाँ पर, कैथोड पर। सो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, डिपॉजिट्स ऑन कैथोड। अब देखते हैं लास्ट, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट या फिर सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर सल्फाइड या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है सिल्वर सल्फाइड। होता क्या है, जो हमारा सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं, सिल्वर आर्टिकल्स का मतलब सिल्वर के बर्तन वगैरह हो गए, वो जब एयर के अंदर रहते हैं ना तो उनके ऊपर एक लेयर फॉर्म्ड हो जाती है जिसे हम कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बस गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मेरी तरफ से आपके लिए एक सवाल कि स्टेनलेस स्टील और स्टील में फ़र्क क्या होता है? हमने कई जगह लिखा हुआ देखा है कि ये चीज़ जो है वो बनी हुई है स्टेनलेस स्टील से, कहीं कहीं पर लिखा होता है स्टील से बनी हुई है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है ये बताना है कि स्टेनलेस स्टील और स्टील में फ़र्क क्या होता है।